हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले एक और हेल्दी क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी, पफ्ड राइस उपमा या मुरमुरा उपमा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बनता है। इसके लिए मैंने लिए हैं मुरमुरे, ये अराउंड छोटी कटोरी से 3 कटोरी है। उसके अलावा मैंने लिया है एक प्याज जिसको लंबा काटा है, एक टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, नींबू, चना दाल, उड़द दाल, जीरा, सरसों, ये तड़का लगाने के लिए। उसके अलावा ये है मूंगफली, अराउंड 2 टीस्पून है। भुने हुए चने जिसे रोस्टेड ग्राम भी कहा जाता है, तेल, धनिया पत्ती, करिया पत्ती और थोड़ा सा हींग है। सबसे पहले हम लोग ये भुने हुए चने का पाउडर बना के रख लेते हैं। अब मैंने रखा है एक पैन, उसमें डाला अराउंड 2 टीस्पून जितना ऑयल। ऑयल डाल के सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली, ये है 2 टीस्पून डाल के हम लोग इसको 1-2 सेकंड तक भून लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे चना दाल, उड़द दाल, दोनों 1-1 टीस्पून है। उसके अलावा मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जीरा और सरसों। डाल के हम लोग थोड़ा सा भून के उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून जितना हींग। हींग डाल के अब मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती का 1 स्ट्रिप। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लंबा कटा प्याज। प्याज डाल के मैंने डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। डाल के अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तब तक जब तक ये प्याज थोड़ा सा सुनहरा या गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। प्याज अच्छे से भुन गया है। भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, ये 1 टमाटर है। डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब हम लोग मुरमुरे को वॉश कर लेते हैं। उसके लिए मुरमुरे मैंने डाले हैं एक बाउल में। उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी, पानी सफिशियंट डालना है। डाल के उसे धो के उसको तुरंत हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम लोग छन्नी में डालेंगे। इसे इस तरीके से प्रेस करना है, उसके बाद छन्नी में डालेंगे। अगर ये ज़्यादा देर रहेंगे तो नरम पड़ जाएंगे। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम लोग कढ़ाई में डालते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मुरमुरे जिसे अभी हमने वॉश कर लिया था। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मुरमुरे को हम लोग पहले से धो के रखेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। उसके अलावा हम लोग इसको पानी में ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, तुरंत पानी में डाल के तुरंत निकालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए चने का पाउडर जिसको हमने पाउडर बना लिया था। डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक डाल के मिक्स करने के बाद ये ऑलमोस्ट बन गया है। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी बनता है। ये जो मुरमुरे है उसी का एक साउथ इंडियन वर्जन है। ये स्पेशली कर्नाटका का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसे उगानी कहा जाता है। अब ये बन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 नींबू। नींबू डाल के ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कटा धनिया पत्ती। हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी मुरमुरा उपमा उगानी या पफ्ड राइस उपमा बन के रेडी है। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी यम्मी पफ्ड राइस उपमा बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।